एवरीवन, वेलकम टू सन स्टैट्स विद एस्ट्रो भरत। आज आपके सामने एक प्रैक्टिकल केस स्टडी लेके आ रहा हूँ जहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में बहुत ही अनफेवरेबल इवेंट हुआ। इस केस स्टडी को आज मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी इवेंट सिर्फ लग्न कुंडली से ही नहीं, चंद्र कुंडली से भी देखना चाहिए और अपने डिस्पॉजिटर से भी। जब आप इन तीनों चीज़ों को देखते हो और समझते हो, उसके बाद ही इवेंट को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट करा जा सकता है। अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे चंद्र लग्न को देखा जाए या स्टैंड अलोन बेसिस पे लग्न चार्ट को देखा जाए तो प्रेडिक्शन गलत हो सकती हैं। तो जब सारे फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं, उसके बाद ही अगर हम अपने क्लाइंट्स को अच्छे से कंसल्टेशन दें, प्रेडिक्शन बताएं, चांसेस उसके सच जाने के बढ़ जाते हैं। इस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पर्सन के मदर का सुख इनके लाइफ में लिखा नहीं था। इनके पैदा होने के सिर्फ एक साल के अंदर इनकी माँ का गुजरना हो गया और इनकी लाइफ से जो एक माँ का सुख होता है वो चला गया था। अगर आप देखेंगे कि इस कुंडली के लिए फोर्थ लॉर्ड यानी माता का लॉर्ड बृहस्पति है और नेचुरल मदर का लॉर्ड मून होता है। जुपिटर और मून ये दोनों प्लैनेट सेवेंथ हाउस में हैं और पाप कर्तृ योग में हैं। सिक्स हाउस में केतु, एट्थ हाउस में शनि और सूर्य। दैट मीन्स कि जुपिटर और चंद्र के सिग्निफिकेशन खत्म हो जाएंगे या कट जाएंगे, इनमें कमी आएगी। बट क्या इसको अलग अलग से देखने से पता लग जाएगा कि चलो ये जुपिटर एफ्लिक्टेड हो रहा है, मून एफ्लिक्टेड हो रहा है, तो शायद मदर की एज कम हो? सिर्फ एक चीज से पता नहीं लगाया जा सकता। एज हमेशा पता लगती है अष्टम भाव से। फोर्थ हाउस यानी मदर का स्थान हो गया और फोर्थ से एट्थ इलेवेंथ हाउस यानी मदर की लॉन्गेविटी, इसका रूलर है शुक्र। और एट्थ से एट्थ थर्ड हाउस हो गया यानी लगन ऑफ मदर से थर्ड। पाइसीस कहीं भी हो, आपका टॉरस और लिब्रा जहां होगा वो इस पर्सन का एज रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में जुपिटर अगर एफ्लिक्टेड है एंड एट द सेम टाइम सिग्निफिकेटर ऑफ एज जो मदर के लिए इस कुंडली में इलेवेंथ लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड शुक्र हो गया, अगर शुक्र भी एफ्लिक्टेड होता है तो ये कंसर्न शो करता है। जुपिटर जो कि फोर्थ लॉर्ड ऑफ मदर है, चंद्र जो मदर का नेचुरल सिग्निफिकेटर है और शुक्र जो मदर की एज शो कर रहा है इस जातक के चार्ट से, ये तीनों के तीनों पाप कर्त्री में आ गए हैं। तो एक इंडिकेशन मिल गया कि शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ है मदर की। बट क्या हम सिर्फ इसको देख के डिसीजन मेक करेंगे? ये आंसर बिल्कुल गलत है। हमें कभी भी स्टैंड अलोन बेसिस पे चीजें नहीं देखेंगे, हम और रिफाइनमेंट पे जाएंगे। ये हमने देखा फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड से। फोर्थ लॉर्ड कमजोर पड़ गया, पाप कर्त्री में आ गया, सिग्निफिकेटर भी परेशानी में आ गया और इसकी एज भी परेशानी में आ रही है। ये है पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो इन तीनों ग्रहों का डिस्पॉजिटर है, इस केस में बुध है। और याद रखिएगा कि बुध एक बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। बुध नाइन्थ हाउस में है सिम राशि पे। जब भी कोई शुभ ग्रह अपनी राशि से थर्ड जाता है तो वो उस राशि के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। जब भी कोई मैलिफिक ग्रह अपने हाउस से थर्ड जाता है तो वो उसके लिए अच्छे रिजल्ट देता है। बेनिफिक प्लैनेट अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। तो जेमिनाई से थर्ड होने से जेमिनाई का असर कम हो गया यानी उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, एंड वर्गो से ट्वेल्थ होने से वर्गो भी अफेक्टेड हो गया। अब आप एक चीज देखेंगे कि मरकरी का एनिमी मार्स होता है। मार्स जो है वो मरकरी की राशि में बैठा है। दैट मीन्स जब आपका एनिमी आपकी राशि में बैठता है यू फील अनकंफर्टेबल। सो मार्स इसे डिस्पॉजिटर थ्योरी से मरकरी को हार्म पहुंचा रहा है। मरकरी इन तीनों का डिस्पॉजिटर है। अब आप देखिए कि मार्स मरकरी को डिस्पॉजिटर थ्योरी से हार्म पहुंचा रहा है, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, शनि सूर्य और मंगल बुध को पाप कर्तृ योग में सराउंड कर रहे हैं, विच इज एफ्लिक्शन नंबर थ्री। सॉरी टू, मैं थ्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थ्री नंबर पे फोकस करें, विच इज जेमिनाई, जो कि बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। पॉइंट नंबर थ्री, जो केतु है वो फिफ्थ एस्पेक्ट से मंगल को दृष्टि दे रहा है। सो मरकरी से सेकंड हाउस एफ्लिक्ट हो रहा है और राहु अपने नाइन्थ एस्पेक्ट से मरकरी से ट्वेल्थ हाउस को दृष्टि दे रहा है। तो एक थर्ड एफ्लिक्शन भी हो गया यहाँ मरकरी को। अब ये तीन जो प्लैनेट्स हैं वो एफ्लिक्टेड तो हैं, बट एट द सेम टाइम इनका डिस्पॉजिटर भी एफ्लिक्टेड है। सो इससे कंफर्मेशन मिल गया कि इस पर्सन के लाइफ में अपनी मदर का सुख नहीं है या बहुत ही कम है। क्योंकि मरकरी फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो इस पर्सन के पैदा होते ही विद इन वन ईयर उनको अपनी मदर लूज करनी पड़ी थी। अगर यही प्लैनेट सैटर्न होता तो शायद बहुत लंबे टाइम तक वो रिजल्ट देता, क्योंकि सैटर्न सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है।
तो जब भी हमें पता करना होता है कि कोई प्लैनेट जल्दी रिजल्ट देगा या बाद में, तो आप उसका डिस्पोजिटर देखें। डिस्पोजिटर अगर फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, और अगर स्लो मूविंग प्लैनेट है तो लेट आएगा। अगर किसी का शनि खराब है और वो 10th हाउस से कनेक्टेड है तो करियर बनने में ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। और यही अगर 10th लॉर्ड आपका मरकरी हो गया या रिफ्लेक्टेड है तो करियर बर्बाद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बर्बाद होगा। अब आप देखेंगे कि ये हमने एक तो लग्न चार्ट से इसको एनालाइज करा, दूसरा इन तीनों के डिस्पोजिटर से एनालाइज करा, विच इज पॉइंट नंबर टू। बट मैं यहाँ पर भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं एक और पॉइंट पे जाना चाहूंगा, विच इज चंद्र लग्न। अगर आप चंद्र को लग्न मानते हैं तो चंद्र से फोर्थ मदर का साइन हो गया। अब आप देखेंगे कि 4th हाउस ऑफ मदर जो कि चंद्र से फोर्थ है उसमें मंगल बैठ गया, विच इज अ नेचुरल मैलिफिक। और मंगल का जो डिस्पोजिटर है वो एफ्लिक्शन में मरकरी, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ऑन टॉप ऑफ दिस जो 4th हाउस ऑफ मदर है चंद्र लग्न से, उसको शनि अपने थर्ड एस्पेक्ट से एफ्लिक्ट कर रहा है और केतु अपने फिफ्थ एस्पेक्ट से एफ्लिक्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे इस केस में 4th हाउस के सिग्निफिकेशंस बहुत खराब ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि मंगल भी यहाँ पे एफ्लिक्शन में है, 4th हाउस एफ्लिक्शन में है। इस पर्सन को लैंड से कनेक्टेड, होम से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स 100% आनी है। और हमने सिर्फ एक चीज से नहीं देखा, हमने लग्न चार्ट से देखा, हमने चंद्र लग्न से देखा, और हमने डिस्पोजिटिव थ्योरी भी अप्लाई करी। और इवेंट कब कब हुए, इस पर्सन को लैंड ट्रबल भी बहुत जल्दी एज में हो गई, क्योंकि मरकरी हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ मार्स विच इज द सिग्निफिकेटर ऑफ लैंड, वो एफ्लिक्टेड है और वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है। जब भी आप कोई भी अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड क्रिएट करते हैं कि ये इवेंट कब होने वाला है, जल्दी होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसमें डिस्पोजिटर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फास्टर मूविंग प्लैनेट्स विल गिव यू रिजल्ट्स वेरी अर्ली इन लाइफ, वेयर एज स्लो मूविंग प्लैनेट्स दे विल गिव यू रिजल्ट्स लेट इन लाइफ। और अगर मार्स डिस्पोजिटर होता है या मार्स आता है रोल प्ले में या जुपिटर आता है, तो आप समवेयर इन बिटवीन, बिटवीन द फास्ट मूविंग प्लैनेट एंड द स्लो मूविंग प्लैनेट, समवेयर इन बिटवीन इवेंट फ्रक्टिफाई करेगा। जब तक आप तीनों साइड से, एटलीस्ट चंद्र लग्न से या मेन लग्न से एंड डिस्पोजिटर से आप श्योर नहीं होते कोई चीज एफ्लिक्शन में है, तब तक आप कोशिश कीजिए कि उस हाउस या सिग्निफिकेशन के कनेक्टेड कोई नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड ना क्रिएट करें। इफ यू यूज ऑल थ्री टेक्निक्स, इससे आपको एक श्योरिटी मिलेगी कि आपकी रीडिंग बहुत सॉलिड है। और इसमें हमने एक और टेक्निक समझी कि पाइसिस जहां पर भी होगा, और पाइसिस का लॉर्ड जुपिटर और वीनस अगर एफ्लिक्टेड होगा, तो इस रिश्तेदार की एज स्पैन वैसे ही कम हो जाएगी। और सेम चीज आप इसको चंद्र लग्न से भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए पाइसिस लग्न में हो तो आप समझ गए इट इज योर एज, अगर पाइसिस आपके थर्ड हाउस में हुआ तो ये तो 7th हाउस ऑफ वाइफ का फादर यानी फादर इन लॉ, या 3rd हाउस ऑफ यंगर सिबलिंग को शो कर सकता है, बट यंगर सिबलिंग का सिग्निफिकेटर मार्स है तो मार्स का एप्लीकेशन होना जरूरी है। 5th हाउस में अगर पाइसिस आ जाए तो आप पाइसिस और टॉरस और लिब्रा यानी वीनस का एफ्लिक्शन देख के चाइल्ड के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसे पाइसिस कहीं भी हो सकता है, बट आपको स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं देखना है, आपको सारे फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, उसके बाद ही आप फ्रेम ऑफ माइंड बताएं। ये केस स्टडी मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट आर सो मेनी फैक्टर्स, जिनको कंसिडर करने के बाद ही हमें एक प्रिडिक्शन देना चाहिए। आई होप इससे आपको बेनिफिट हुआ और इस केस स्टडी से पता चला कि हम चीज़ों को डेप्थ में देखें तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। थैंक यू वेरी मच।